साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, बात होगी वायु की गुणवत्ता की। इसके अलावा जानेंगे पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में, साथ ही खेती किसानी की भी होगी बात। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों पर। तो पांच बड़ी खबरें इस वक्त आपको बता दें। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में रविवार को तेज बारिश की संभावना बनते दिख रही है। वहीं केरल की बात करें तो यहां रविवार को भारी बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें अरुणाचल प्रदेश के बारे में, यहां पर कुछ जगह भारी बारिश के आसार इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं असम की बात करें तो यहां भी कहीं कहीं जोरदार बरसात की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें मेघालय में कुछ इलाकों में तेज बरसात का अनुमान जताया जा रहा है। तो ये है पांच बड़ी खबरें और अब जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। देख लेते हैं कि देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर इस वक्त नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने के आसार हैं। तो देश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। खास तौर पर जो उत्तर भारत है, जम्मू हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यहां पर गर्म हवाएं चलने की संभावना है, नजर बनाकर रखे। इसके अलावा अगर पूर्वोत्तर का रुख करें तो यहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज हवाओं के आसार बनते दिख रहे हैं। इसके अलावा बता दें आपको जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, खासतौर पर तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहां पर भी कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आप देख सकते हैं इस मैप में जो हरे रंग से जो इलाके दर्शाए गए हैं, यहां के लिए फिलहाल किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन हां, देश के कुछ इलाके हैं जहां पर गर्म हवाएं चल सकती हैं, खासतौर पर उत्तर भारत का हिस्सा है जिनमें राजस्थान भी शामिल है, यहां पर भी गर्म हवाएं चलने के आसार बन रहे हैं। बता दें आपको आने वाले दो दिनों में देश के किन हिस्सों में होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। तो अगर उत्तर भारत का हम रुख करें तो यहां देख रहे हैं कि मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहां भी फिलहाल आने वाले दो दिनों में बारिश के आसार बनते नहीं दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और पूर्वोत्तर का रुख करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में अधिकतर जगह बारिश हो सकती है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह बरसात होगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी। पूर्वी भारत का रुख करें तो झारखंड, ओडिशा और गांगेय पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बिहार में मौसम साफ रहेगा। बात करते हैं तेलंगाना की, यहां कहीं कहीं बरसात के आसार है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कई जगह बरसात हो ससकती है। अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं। केरल की बात करें तो यहां अनेक जगह बरसात हो सकती है और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अधिकतर जगह बारिश होगी। जबकि अगर पश्चिम भारत और मध्य भारत की बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ है, यहां पर कहीं कहीं बरसात के आसार बनते दिख रहे हैं। इसके अलावा पश्चिमी पूर्वी राजस्थान हो, पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश हो या विदर्भ, मराठवाड़ा का इलाका, यहां बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी। आइए बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का मिजाज। आपको बता दें कि जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बरसात हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाकों में बरसात देखी गई है। जबकि अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां पर कुछ इलाकों में गर्म हवाओं का असर पिछले 24 घंटों के दौरान नजर आया है। वहीं रुख करते हैं पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत का। आपको बता दें बिहार में गर्म हवाओं का असर रहा है, गांगेय पश्चिम बंगाल में भी कुछ इलाकों में चली हैं गर्म हवाएं। इसके अलावा
अलावा ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में बरसात हुई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी बादल बरसे हैं। साथ ही नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा में भी बरसात हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई है। आपको बता दें कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में भी बादल बरसे हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप में भी बरसात हुई है। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। मध्य महाराष्ट्र पर अगर नजर डाले तो यहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में बादल बरसे हैं। तो देश के वो तमाम इलाके जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई है, और कुछ इलाके ऐसे भी रहे हैं जहां पर गर्म हवाओं का असर भी नजर आया है। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मौसम से जुड़ी हुई कुछ और अहम खबरों पर रहेगी नजर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीवी है उसको, टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। फिर अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सरपर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीवी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीवी के इलाज में अपनों का साथ दें। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान की। इस वक्त देश के कुछ हिस्सों में बरसात हो रही है, वहीं कहीं कहीं पर गर्म हवाओं का असर भी नजर आ रहा है। ऐसे में तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आइए जान लेते हैं कि अधिकतम तापमान में किस तरह का बदलाव कुछ इलाकों में देखा जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान की यहां पर बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। यहां पर जो अधिकतम तापमान है उसमें कुछ बढ़ोतरी आई है सामान्य के मुकाबले। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की बात करें तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही गांगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी इसी तरह की स्थितियां बनती नजर आ रही है। यहां भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी आई है और ये सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी आते हुए हम देख रहे हैं। जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा यहां पर दर्ज किया गया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान रहा है। पूर्वी राजस्थान और सौराष्ट्र, कच्छ की जहां तक बात है तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही अगर मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे पश्चिमी मध्य प्रदेश हो या पूर्वी मध्य प्रदेश, यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। आइए देश के बाकी हिस्सों का रुख करते हैं। गुजरात की बात करते हैं, यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही कोंकण, गोवा में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान रहा है। मराठवाड़ा और विदर्भ में भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं बात करें उत्तराखंड की तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही हरियाणा, दिल्ली में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान रहा, सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। आपको बता दें देश के बाकी हिस्सों के बारे में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की जहां तक बात है तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है और सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। जहां तो देश के कई हिस्से हैं जहां पर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान में कमी भी आई है। जैसे कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की बात है तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इसी तरह से हम कमी देख रहे हैं, अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम यहां पर दर्ज किया गया।
बात करें मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। तो मध्य महाराष्ट्र में भी जो अधिकतम तापमान है उसमें कमी आई है। आपको बता दें मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान गांगेय पश्चिम बंगाल के बांकुरा में दर्ज किया गया है। यहाँ पर अधिकतम तापमान रहा 43.7 डिग्री सेल्सियस। जहां तो हमने अधिकतम तापमान की बात कर ली, आइए न्यूनतम तापमान के हाल पर भी नजर डाल लेते हैं। बता दें पूर्वी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा झारखंड और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। जी हाँ, यानी कि रात के समय में भी जो तापमान है उसमें कुछ बढ़ोतरी आई है सामान्य की तुलना में। पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की जहां तक बात है तो यहां पर जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी आते हुए हम देख रहे हैं। ये सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। आइए रुक करते हैं देश के दूसरे हिस्से का। रुक करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ का। यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। बात गुजरात और मध्य महाराष्ट्र की करें तो यहां पर भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला। सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। तो जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी कुछ इलाकों में बढ़ोतरी आते हुए हम देख रहे हैं। तटीय आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो या फिर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, यहां पर जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी आई है। सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री यहां पर ज्यादा तापमान रहा है। साथ ही रायलसीमा में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं आपको बता दें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि तापमान में बढ़ोतरी आई है और सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा यहां तापमान दर्ज किया गया है। असम, मेघालय की जहां तक बात है तो यहां पर भी इसी तरह की स्थितियां बनते देख रहे हैं। सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा यहां पर न्यूनतम तापमान रहा है। ओडिशा का भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पूर्वी मध्य प्रदेश के बारे में। यहां पर जो न्यूनतम तापमान है उसमें कुछ कमी आई है। सामान्य के मुकाबले न्यूनतम तापमान यहां पर 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। जबकि अगर बात करें हम तमिलनाडु पुडुचेरी की, तो यहां पर भी इसी तरह की स्थितियां बनते हम देख रहे हैं। न्यूनतम तापमान में कमी है, सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम यहां पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पूर्वी राजस्थान में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। पूर्वी राजस्थान के सीकर में 17.5 न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। तो मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान यहां पर रहा है सीकर में। और इसी के साथ आइए एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं देश के तमाम इलाकों पर और देखते हैं कि किस तरह का तापमान यहां पर दर्ज किया गया। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे बात होगी वायु की गुणवत्ता की और जानेंगे पर्यटक स्थलों का अगले 4 दिनों का मौसम का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20% लॉटरी लगी तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार
शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हां, रोज हम आपको देश के कुछ शहरों की वायु की गुणवत्ता के बारे में बताते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर जानते हैं कि उस शहर की वायु की गुणवत्ता कैसी है। दिल्ली की जहां तक बात है तो 244 यहां पर वायु की गुणवत्ता है, यानी कि थोड़े खराब की श्रेणी में आता है। लखनऊ की जहां तक बात है तो यहां पर वायु की गुणवत्ता खराब कही जा सकती है, क्योंकि 303 वायु गुणवत्ता सूचकांक है। पटना की वायु की गुणवत्ता जो है वो 272 है वायु गुणवत्ता सूचकांक पर, यानी थोड़ा खराब है। बेंगलुरु की जहां तक बात है तो यहां पर जो वायु की गुणवत्ता है वो अच्छी कही जा सकती है, 57 वायु गुणवत्ता सूचकांक है यहां का। पुणे का वायु गुणवत्ता सूचकांक बता रहा है 81, जो कि अच्छी की श्रेणी में आता है, यहां की वायु अच्छी है। हैदराबाद की जहां तक बात है तो संतोषजनक यहां की वायु मानी जा सकती है, 107 वायु गुणवत्ता सूचकांक है यहां का। और जहां तक मुंबई की बात है तो 79 वायु गुणवत्ता सूचकांक है यहां का, यानी कि अच्छी हवा यहां की मानी जा सकती है। और कोलकाता की भी अच्छी हवा है, 81 वायु गुणवत्ता सूचकांक कोलकाता का दर्शा रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि अगले 4 दिनों के दौरान पर्यटक स्थलों में किस तरह का मौसम रहने वाला है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की आइए बात करते हैं। तो यहां पर रविवार को बादल बरस सकते हैं, 14 से 4 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। और इसी तरह का तापमान सोमवार को भी रहेगा, 14 से 6 के बीच तापमान रहेगा और बारिश की स्थितियां बनती दिख रही है। मंगलवार और बुधवार को भी बादल बरस सकते हैं, 14 से 6 मंगलवार को तापमान रहेगा तो 16 से 6 के बीच रहेगा तापमान बुधवार को, यानी कि बुधवार को तापमान में कुछ बढ़ोतरी आएगी। वहीं गोवा के पणजी का ये रुख करते हैं। यहां पर अगले 4 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा, रविवार को जो तापमान है वो 34 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और लगभग इसी तरह का तापमान अगले 3 दिनों के दौरान, यानी कि सोमवार मंगलवार और बुधवार को भी रहेगा। और मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, धूप निकली रहेगी, यानी कि गोवा के पणजी का अगर आप रुख करना चाहते हैं तो यहां का मौसम साफ है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की आइए बात करते हैं। यहां पर रविवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, 25 से 9 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। वहीं मंगलवार को तापमान में बढ़ोतरी आएगी, 26 से 9 के बीच यहां पर तापमान रहेगा और कुछ बादल छा सकते हैं। मंगलवार बुधवार को भी बादल छाने की संभावना बनी हुई है, लेकिन तापमान में गिरावट आएगी, अधिकतम तापमान 26 से 20 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा और इसी तरह का तापमान बुधवार को भी रहेगा। मध्य प्रदेश के सांची की बात करें तो यहां पर 42 से 25 के बीच रहेगा तापमान रविवार को और धूप निकली रहेगी और दिन बिल्कुल साफ रहेगा। सोमवार को भी इसी तरह का तापमान रहेगा और साथ ही मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। मंगलवार और बुधवार को भी तापमान में किसी तरह का बदलाव हम नहीं देख रहे हैं और मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, कड़ी धूप रहेगी और यहां पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। आइए बात करते हैं राजस्थान के अजमेर की। यहां पर रविवार को तापमान रहेगा 40 से 26 के बीच में और मौसम खुला रहेगा। सोमवार को तापमान में बढ़ोतरी, 41 से 25 के बीच रहेगा तापमान और बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। मंगलवार को 40 से 24 और बुधवार को 41 से 24 के बीच रहेगा तापमान। तो ऐसे में तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनते देख रहे हैं, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। वहीं बात करें तेलंगाना के निजामाबाद की, तो यहां पर रविवार और सोमवार को कुछ बादल छा सकते हैं और अधिकतम तापमान जहां रहेगा 41 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को बारिश भी हो सकती है, संभावना बनती नजर आ रही है और ऐसे में 40 से 28 के बीच रहेगा तापमान। बुधवार को 41 से 28 के बीच रहेगा तापमान और बारिश की स्थितियां बनती हुई दिख रही है, बादल छाए रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी का अगर रुख करें तो यहां पर अगले 3 दिनों के दौरान हीट वेव्स के कंडीशंस बनते दिख रहे हैं, काफी गर्म हवाएं चल सकती है। रविवार को जहां तापमान रहेगा 42 से 26 के बीच तो सोमवार को तापमान में बढ़ोतरी आएगी और 43 से 26 के बीच रहेगा तापमान। इसी तरह का तापमान मंगलवार को रहेगा, बुधवार को कुछ बादल छा सकते हैं और तापमान में 1 डिग्री की कमी आएगी और 42 से 25 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड के मसूरी की। तो यहां पर अगले 3 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, रविवार को जहां रहेगा तापमान 26 से 12 के बीच तो वहीं सोमवार को अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी आएगी और 27 से 14 के बीच यहां तापमान रहेगा। लगभग इसी तरह का तापमान मंगलवार को भी है, 27 से 15 के बीच रहेगी स्थिति और बुधवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी, 28 से 15 के बीच यहां तापमान रहेगा लेकिन बादल छा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के श्री निकेतन की आइए बात कर लेते हैं। तो यहां पर रविवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और 39 से 27 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी।
लगभग इसी तरह का तापमान रहेगा। सोमवार को भी 39 से 25 के बीच तापमान रहेगा, यानी न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। लेकिन वहीं मंगलवार को 36 से 27 और 36 से 26 के बीच तापमान रहेगा बुधवार को, लेकिन सोमवार से बुधवार के बीच में बादल छा सकते हैं। ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों के बारे में, आइए अब जान लेते हैं कुछ खेती किसानी के भी बारे में। मौसम का इसमें बहुत ही अहम रोल रहता है। आपको बता दें कि गर्मियां आ चुकी है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी आ रही है, ऐसे में फसलों का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है। उत्तर भारत और पूर्वी भारत के किसानों के लिए इस वक्त कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में समय से बोए गए गेहूं की कटाई कर लें और साथ ही सुरक्षित स्थान पर भंडारण भी कर लें। दक्षिण बिहार के जलोढ़ इलाके में चारा मक्का की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसान सब्जियों और दूसरी खड़ी फसलों की हल्की सिंचाई भी करते रहें। बिहार के ही उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी इलाके में मूंग और उड़द की बुआई इस समय की जा सकती है। वहीं झारखंड में समय पर बोई गई गेहूं की फसल की कटाई जारी रखें, जबकि ओडिशा में पश्चिमी इलाकों में ग्रीष्मकालीन धान में दाना भरते समय सिंचाई करते रहें। राज्य के पूर्वी और दक्षिण पूर्व में स्थित तटीय मैदानी इलाकों में उड़द और मूंग की कटाई का काम कर लें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके और जलपाईगुड़ी जिले में जूट की बुआई पूरी कर लें। राजस्थान के जालौर, जोधपुर, चूरू, पाली और बाड़मेर के अलावा जैसलमेर और बीकानेर के किसान सब्जियों में बार बार सिंचाई करते रहें और खेत में नमी बनाए रखने के लिए पलवार कर लें। सिरोही जिले में समय समय पर खरबूजे की सिंचाई करते रहें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह और शाम के समय सब्जियों और फलों की हल्की सिंचाई करें। हरियाणा के झज्जर में सरसों, गेहूं और तैयार हो चुकी सब्जियों की कटाई करें, जबकि महेंद्रगढ़ जिले में सरसों, गेहूं और काबुली चना की कटाई करें। कटाई का काम सुबह तड़के या फिर देर शाम में करें। इसके अलावा यहां सब्जियों की खड़ी फसल में पानी भी देते रहें। दिल्ली और आसपास के किसान सब्जियों की नर्सरी, चारा फसलों और बगीचों में बार बार सिंचाई करें, साथ ही आड़ लगाकर इन्हें गर्म हवाओं से बचाएं। जहाँ तो अभी आपने समसामयिक कार्यों के बारे में जाना और आइए बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है हल्दी, जो कि अपने विशेष गुणों के लिए जाना जाता है और ये शुद्ध रूप से भारतीय वनस्पति है। आपको बता दें हल्दी का इस्तेमाल रोजमर्रा के भोजन में मसाले के तौर पर किया जाता है, तो वहीं इसके एंटी कैंसर और एंटी वायरल दवाओं में भी इस्तेमाल होता है। इसकी अच्छी खासी मांग के कारण आप व्यावसायिक खेती अगर हल्दी की करते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। हल्दी की अच्छी उपज हासिल करने के लिए खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। हल्दी की पैदावार, उपभोग और निर्यात के मामले में भारत सबसे ऊपर है। कुल उत्पादन का 80% हमारे देश में ही होता है। भारत में भी सबसे ज्यादा 60% हल्दी आंध्र प्रदेश में उगती है। इसके बाद तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का नंबर है। ओडिशा और झारखंड में भी इसकी खेती की जाती है। ये उष्णकटिबंधीय मसाला फसल है। इसे गर्मी के मौसम में भी उगाया जाता है और मॉनसून में भी। खरीफ मौसम में ये सबसे उपयुक्त फसल है। अंतर्वर्ती फसल के रूप में की जा सकती है खेती। हल्दी को 4.5 से 7.5 पीएच वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। ऊसर और क्षारीय जमीन इसके लिए सही नहीं है। केरल और पश्चिमी तट वाले हिस्सों में अप्रैल और मई के दौरान इसकी बुआई हो जाती है। एक हेक्टेयर बुआई के लिए 20 से 25 क्विंटल प्रकंद की जरूरत होगी। कंद स्वस्थ और उसका वजन 25 ग्राम के आसपास हो। मात्र प्रकंद को दो टुकड़ों में बांट लें, जबकि द्वितीयक प्रकंद के 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े बनाएं। बीज को लगाने से पहले भीगे पुआल में रखें, इससे उनमें अंकुरण होगा और खेत में जल्दी जमेंगे। हल्दी की बुआई नाली बनाकर की जाती है। 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर नाली तैयार करनी है, जिसकी चौड़ाई और गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी है। नाली में मिट्टी, ट्राइकोडर्मा युक्त कंपोस्ट और रासायनिक खाद को अच्छी तरह मिलाते हैं। फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रकंदों को रखकर मिट्टी से ढक देते हैं। नाली जमीन से नीचे रहनी चाहिए ताकि गर्मियों में पानी देने में आसानी हो और बरसात में इस पर मिट्टी चढ़ा दी जाए। बुआई करते समय आंख को ऊपर की ओर रखें। बुआई के बाद सिंचाई करके पलवार कर दें। एक हेक्टेयर हल्दी को 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश दें। खेत की तैयारी के दौरान फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की आधी मात्रा देनी है। 45 से 60 दिन बाद नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटाश की बची हुई आधी मात्रा दे दें। बुआई के 90 दिन बाद नाइट्रोजन की बची आधी मात्रा भी दे दें।
बुआई के 60, 120 और 150 दिनों पर निराई गुड़ाई करनी होगी। मई में बुआई करेंगे तो फसल में 3-4 सिंचाई करनी होगी, जबकि बरसात की फसल में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे खेत में जल जमाव ना होने पाए। आप चाहे तो हल्दी के साथ अंतर फसल के रूप में मिर्च, प्याज, बैंगन, मक्का और रागी लगा सकते हैं। अंतर फसल में हल्दी की हर दो कतारों के बाद इनमें से किसी भी फसल की एक कतार लगाएं। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल करने के लिए आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं और मौसम खबर देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम के ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।